हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपक। वेलकम टू स्टडी अलोन। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस सेशन में फैट लिपिड्स, जिसको लिपिड्स बोलते हैं, फैट वसा के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सेशन में चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, ये पार्ट 3 है न्यूट्रिशन का, पोषण का। अगर आप पार्ट 1 और 2 अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको जाकर देखिए। पार्ट 1 में कार्बोहाइड्रेट मैंने डिस्कस किया है और पार्ट 2 में मैंने प्रोटीन डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, आते हैं अब हम लोग पार्ट 3 में, जो कि फैट के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में आप अंत तक बने रहें ताकि आपको सारे चीज़, सारे डाउट्स, सारे फैक्ट्स आपको पता चल जाएँ। तो फ्रेंड्स, आते हैं इस सेशन में। और सेशन में चलने से पहले आप शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सेशन में आते हैं। क्या सेशन में हम लोग को क्या कैसे पढ़ना है, आते हैं फ्रेंड्स। और एक ज़रूरी बात, आप लोग कॉपी बनाना ना भूलें। आप एक फेयर कॉपी बना लें और बार बार रिवीजन करें। इस सेशन के बाद मैं एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन लाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आते हैं। आज का सेशन फैट है, फैट जिसको हम लोग लिपिड बोलते हैं, लिपिड्स भी हम लोग बोलते हैं, वसा। तो ये जो फैट है, ये जो वसा है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में तेल या नॉर्मल चलता फिरता लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में चिकना, ओके, चिकना बोलते हैं ना, कि चिकना सामान हम लोग खाते हैं तो वसा बोलते हैं। ऑयली चीज़ को, ऑयली थिंग्स को हम लोग फैट बोलते हैं, जो कि बनता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स से मिल के बनता है। वसा के अणुओं से और ग्लिसरॉल से मिल के बनता है। इसको, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड। आप लोग ये क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में। तो ये एस्टर बॉन्ड तो क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बनता है। उसके अणु ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बनते हैं। और ये प्रोटीन के अणु किससे बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से बनते हैं। एंड वसा के अणु किससे बनते हैं, एस्टर बॉन्ड से बनते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। तो आते हैं फ्रेंड्स, फैट जो है किससे बनता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, जो कि एक अनुपात, ये जो हाइड्रोजन रहता है ये 2 अनुपात में रहता है, और जो ये ऑक्सीजन रहता है ना, ऑक्सीजन एक से कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि वसा एक से कम अणु जब ऑक्सीजन का रहेगा तभी बनता है। तो आते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। जो फैट है तो सॉलिड फैट होता है और लिक्विड फैट होता है। तो सॉलिड फैट जो रहता है वो लिक्विड फैट में कब ट्रांसफॉर्म होता है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड में। जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तब वो ऑयल बन जाएगा। लिक्विड फैट जिसको हम लोग ऑयल बोलते हैं, वो ऑयल बन जाएगा। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि सॉलिड फैट को किस डिग्री पे हीट करने से वो ऑयल बन जाता है। तो दैट इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आते हैं फ्रेंड्स, फैट्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहला रहता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। क्या, संतृप्त। तो आते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसका, ये सिंगल बॉन्ड में रहते हैं, ये जो सैचुरेटेड बॉन्ड में रहते हैं जो फैट, वो सिंगल बॉन्ड में रहते हैं। देखिए, सिंगल बॉन्ड है ना, C बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड में है, ये बहुत खराब, ये खराब वसा होते हैं। ये लो डेंसिटी वाले लिपिड्स होते हैं, फैट होते हैं, जो कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। और ये हार्ट के लिए, हमारा जो दिल है उसके लिए ये बहुत नुकसानदायक होता है। ये जो धमनी है ना, ये धमनी और सीरा में ना ये जम जाता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत धीरे हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना नहीं है, घटाना है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं और बहुत सारा ऑयली थिंग्स हम लोग नहीं खाते हैं। तो सैचुरेटेड जो फैट रहता है वो
अच्छा नहीं रहता है बॉडी के लिए। आते हैं हम लोग अनसेचुरेटेड में। जो ये अनसेचुरेटेड है उसका बॉन्ड कैसे बनता है, सी डबल बॉन्ड, फिर सी ट्रिपल बॉन्ड, देन अगेन सी। तो ये जो ट्राई बॉन्ड है इसका, तो पहले बाई से बनता है और फिर ट्राई से बनता है। तो आते हैं फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छा फैट बोलते हैं। ये जो अनसेचुरेटेड फैट है उसको हाई क्वालिटी का, हाई डेंसिटी का लिपिड बोलते हैं फ्रेंड्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं प्यूफा। क्या प्यूफा लिखा जाता है? बहुत सारे जो ऑयल के डब्बे रहते हैं उन पर लिखा रहता है प्यूफा, PUFA प्यूफा लेबल लिखा रहता है उस डब्बे पे, ऑयल के डब्बे पर ये लिखा रहता है। जिसका मतलब क्या होता है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। क्या पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट आते हैं, फैट्स आर इंसोलेबल फैट्स आर इंसोल्युबल। देखिए ये वर्ड जो इंसोल्यूबल है इसमें आई एन आ गया ना, मीन्स नेगेटिव। ओके, तो आप लोग रूट वर्ड्स के जो मेरा सेशन चल रहा है रूट वर्ड्स का, आप लोग उसको देखना ना भूले, आप लोग उसको जाकर वॉच कीजिए, जिससे आप लोग को मीनिंग जल्दी जल्दी समझ में आएगा। तो इनसेल्युबल इन वाटर, जो फैट्स वाटर में घुलनशील हैं उसको क्या बोलेंगे इनसेल्युबल। एंड फैट्स आर सोल्यूबल इन एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। तो दो प्रकार के फैट होते हैं, एक होता है जो वाटर में घुल जाता है, और एक होता है जो एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म में घुल जाता है। तो आते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सेचुरेटेड जो संतृप्त वसा रहता है, फैट रहता है, वो एनिमल में रहता है। विंटर में फ्रिज होते हैं, ये जो विंटर सेशन है ना, विंटर सेशन में ये फ्रिज हो जाते हैं। विंटर में फ्रिज हो जाते हैं, समर में लिक्विड। देखिए विंटर में फ्रिज हो जाते हैं, समर में लिक्विड हो जाता है। और कोकोनट, फॉर एग्जांपल कोकोनट को देख लीजिए आप, कोकोनट को, देसी घी को या डालडा को, कोकोनट ऑयल या जो देसी घी है, ठंडा में विंटर में क्या होता है, जम जाता है, फिर समर में क्या होता है, वो लिक्विड हो जाता है। तो ये सब क्या है, सेचुरेटेड, जो कि एनिमल्स में मिलते हैं। तो आते हैं फ्रेंड्स अनसेचुरेटेड जो असंतृप्त लिक्विड है, तो ये सॉरी नॉट लिक्विड, दिस इज लिपिड। ओके, लिपिड ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो कि प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स से हम लोग को मिलता है। ये समर प्लस विंटर दोनों में ना ऑयल ही रहता है। ओके, ये जमता नहीं है, ये फ्रिज नहीं होता है, ये ऑयल ही रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, फिश ऑयल, जो भी मछली का ऑयल रहता है या वेजिटेबल ऑयल रहता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन ऑयल, जो भी हम लोग रिफाइंड ऑयल खाते हैं वो जमता नहीं है। अगर उसमें मान लीजिए जम गया कोई, तो उसमें अशुद्धियाँ, उसमें इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, इसीलिए वो प्योर नहीं होता, जिसके कारण वो जम जाता है। बट अगर जो रियल वेजिटेबल ऑयल है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, वो जमता नहीं है। बट अनसेचुरेटेड जो रहते हैं वो लिक्विड अवस्था में रहते हैं, और सेचुरेटेड जो रहते हैं वो जम जाते हैं एंड फ्रीज हो जाते हैं एंड लिक्विड में रहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स सेशन में आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इसेंशियल फैट्स हैं। तो आवश्यक फैट्स आर टू टाइप्स, इसेंशियल फैट्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज अल्फ़ा, जिसको बोलते हैं लिनोलेइक एसिड। इस टर्म्स को ध्यान से पढ़ना है, अल्फ़ा लिनोलिक एसिड। ये इसेंशियल फैट है, जिसको हम लोग ओमेगा थ्री फैटी एसिड में हम लोग बोलते हैं। इसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड के अणु मॉलिक्यूल इसमें रहते हैं, जो कि हृदय की दिक्कतें से बचाता है। जो भी हार्ट बीट का जो प्रॉब्लम होता है ना, उससे ये सेव रखता है, इससे बचाता है। और सेकंड क्या है, सेकंड है लियोनिक लियोलिक
लिनोलिक एसिड। पहला क्या था हम लोग का, अल्फा लिनोलिक एसिड, और ये है ओनली लिनोलिक एसिड जो कि ओमेगा सिक्स फैटी एसिड। अल्फा लिनोलिक एसिड में ओमेगा थ्री फैटी एसिड के मॉलिक्यूल रहते थे, बट इसमें हम लोग के सिक्स फैटी एसिड के मॉलिक्यूल हम लोग को मिलेगा। इट इज़ वर्क्स एज एंटी इन्फ्लेमेटरी एसिड। ये जो सूजन के विरुद्ध काम करते हैं, जहाँ फूल जाता है ना, जहाँ पर सूजन हो जाता है जिस पार्ट में, उस पार्ट को ये ठीक करते हैं, सूने नहीं देते हैं। अगर आपके पास लियोलिक एसिड अच्छा है तो सूजन नहीं होगा, जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको वो काटता है, सूजने नहीं देता है पार्ट्स को। हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में जानते हैं। रेंसिडिटी रस्टिंग ऑफ फैट्स। वसा के ऊपर जंग लग जाता है किसके कारण, ऑक्सीडेशन के कारण। जब ऑक्सीकरण होता है वसा का तो उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। उसको उसमें कैसे होता है, O2++ OO पर आते हैं। हाइड्रोजेनेशन ये अनसेचुरेटेड, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है वो, तो अनसेचुरेटेड फैट्स कन्वर्टेड इनटू सेचुरेटेड फैट्स इन प्रेजेंस ऑफ मेटल। वो मेटल क्या है, निकेल। तो जो हाइड्रोजनेशन होता है, देखिए हाइड्रोजनेशन होता है मीन्स इसमें हाइड्रोजन के प्रेजेंस में वो हाइड्रो में बंटता है। तो जो अनसेचुरेटेड, जो असंतृप्त वसा रहता है वो किस में चेंज हो जाता है, संतृप्त में। मीन्स अनसेचुरेटेड फैट्स कन्वर्टेड इनटू सेचुरेटेड फैट्स इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल। किसके प्रेजेंस में, निकेल के प्रेजेंस में ये चेंज होता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ डायग्राम से आप देख पा रहे हैं, अनसेचुरेटेड फैट्स कन्वर्ट हुआ है सेचुरेटेड फैट्स में, जो कि निकेल मेटल के प्रेजेंस में है। आते हैं फ्रेंड्स, पर डे डोज ऑफ फैट्स हम लोग जो वसा का हम लोग डोज कितना लेते हैं, 50 ग्राम पर डे लेना चाहिए। बट आजकल क्या होता है ना कि वो 10 ग्राम 20 ग्राम सब्जी में लग जाता है, बस वही इनफ है। इसीलिए हम लोग का फिजिकली फिटनेस अच्छा नहीं रहता है, इसलिए मेडेंट्री है। एक एडल्ट को 50 ग्राम पर डे लेना मेडेंट्री है। तो 1 ग्राम में देख लेते हैं कितना होता है, 1 ग्राम में 9.3 कैलोरी एनर्जी इससे मिलता है। कितना होता है, 9.3 कैलोरी एनर्जी होता है। आते हैं फ्रेंड्स, इसका कार्य क्या है, एनर्जी देना क्या है मेन फंक्शन। एंड प्रिवेंट द बॉडी हीट टू गो आउटसाइड। जो बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रहता है, उसको बाहर ना निकलने देना, उस बॉडी के हीट को मेंटेन रखना, बैलेंस रखना। एंड और क्या, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, शरीर का तापमान संतुलित रखता है। नेक्स्ट आते हैं न्यू बॉर्न बेबी। जो नवजात शिशु रहते हैं, जो नया बच्चे पैदा लेते हैं, उनके शरीर में जो वसा रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लूबर। क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नवजात शिशु के शरीर में जो वसा रहता है, वो वसा कौन सा वसा रहता है, तो उस वसा का नाम है, उस फैट का नाम है ब्लूबर वसा या ब्लूबर फैट। नेक्स्ट आते हैं ट्रांस फैट। ध्यान से फ्रेंड्स, ट्रांस फैट अनकॉमन एंड अनसेचुरेटेड फैट। इसको क्या बोलेंगे अनसेचुरेटेड फैट, जो कि लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। जो भी लिक्विड फैट रहते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बहुत ख़राब होता है, ये जो होता है ना, ये देखो, अगर लिक्विड में आप अगर कोई फैट लेते हो,
कोई लिपिड अगर लेते हो देन इट्स फाइन, देन इट्स फाइन। अदरवाइज़ अगर आप सॉलिड में लेते हो तो ये आपको ख़राब करेगा, हार्ट के लिए ख़राब करेगा। ओके फ्रेंड्स, स्टोर करके रखने में बट मदद होता है, जैसे बटर, बटर आप खाते हो ना, बटर मार्केट से मंगा के, तो वो उसको थोड़ा हीट करने पर वो गल जाता है। तो ये स्टोर करने के लिए इजी होता है बट ये फिटनेस के लिए बहुत ख़राब होता है, इसलिए इसको हम लोग हमेशा ऑयली करके, लिक्विड करके हम लोग खाते हैं। आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट वेट या नेक्स्ट कुछ फैक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। एडिपोज टिशू जहाँ चमड़ा मोटा हो जाता है। आप ऊँट को देखे हो ना, ऊँट को, कैमल को, कैमल को देखे हो ना, गाय को देखे हो आप, गाय को देखे हो, बैल को देखे हो, तो उसके ऊपर जो मोटा चमड़ा आ जाता है, मोटा चमड़ा आ जाता है लाइक ऐसे करके ना, कुबड़ कुबड़ टाइप का, वो क्या है, वो एडिपोज टिशू उसी को बोलते हैं। जहाँ चमड़ा मोटा हो जाता है वहाँ यह एडिपोज टिशू पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, लाइक इन ह्यूमन चिक गाल, गाल पर आप देखते हो, स्टोमेक चमड़े में जो चर्बी जाता है, हीप पे, फिर से थाई पे। ओके एंड इन एनिमल, और एनिमल में कहाँ कहाँ पर, हम्प इन कैमल का जो हम्प रहता है, वो जो ऐसे करके रहता है ना, ऐसे करके ऊपर में, तो उसको हम बोलते हैं, तो उस पर ये एडिपोज टिशू जमा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ने इस सेशन में वसा के बारे में जाना है, ये सेशन यहीं तक था। तो प्लीज़ आप पार्ट वन, पार्ट टू न्यूट्रिशन का देख लें, और मेरा रूट वर्ड्स का सेशन चल रहा है, आप उसको भी इंजॉय करें। और बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड किए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको मदद करेगी, और बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक, ज्योग्राफी के शॉर्ट ट्रिक्स को मैंने डाला है, अपलोड किया है, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नए सेशन में। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, फिट रहें, खुश रहें।